अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मतंजन की रेसिपी। उसके लिए मुझे जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। आधा किलो जो है मैंने चावल ले लिए हैं और उसको मैंने भिगोकर रख लिया था। दो प्याली जो है मैंने चीनी ले ली है। एक प्याली जो है मैंने घी ले लिया है। ये मैंने मुरब्बा ले लिया ग्रीन कलर का, आप कोई सा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और गिरी ले लिया, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मेवा ले लिया है आधी प्याली। चार से पांच अदद जो है मैंने इलायचियाँ ले ली हैं। इसमें इसके लिए जर्दा कलर के लिए मैंने ले लिया है ग्रीन कलर, ले लिया है चुटकी, और येलो कलर भी ले लिया है एक चुटकी, और रेड कलर भी ले लिया है एक चुटकी, और हसबे जरा जो है पानी ले लिया है। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने मतंजन की रेसिपी। ये देखिए, चावल बॉयल करने के लिए मैंने देखची में पानी जो है डालकर रख दिया था। पानी हल्का हल्का बॉयल हो रहा है, इसमें मैं जो है गिरी और मेवा भी ऐड कर दूंगी। और जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉयल होगा तो मैं इसके अंदर चावल भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए, पानी जो है बॉयल हो गया है, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल जो है बॉयल हो गया और मैं इनको एक कर नहीं रखा है। ये देखिए, अच्छे से बॉयल हो गए, अब मैं इनको निचोड़ लूंगी। चावल बॉयल हो गए थे, अब मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा घी को जो है गरम कर लूंगी और मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी। और जैसे ही इलायची की थोड़ी सी खुशबू आएगी फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। इलायची की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है, अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी जिससे मैं अच्छे से शीरा जो है वो बन जाए। तो मैं चीनी को जो है थोड़ा मेल्ट कर लूंगी। शीरा जो है अच्छे से रेडी हो गया, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल जो है मैंने ऐड कर दिए, अब मैं इसको अच्छे से ज़रा मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, मैं कलर्स ऐड कर दूंगी इसमें, थोड़ा सा जो है ये रेड कलर, क्लियर, थोड़ा सा ग्रीन कलर, और ये ऑरेंज कलर, और मैं इसमें मुरब्बे ऐड कर दूंगी। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको दम दे दूंगी। जी 10 मिनट जो हो गए, अब मैं इनको देख लूंगी। ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मतंजन जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। जी व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मतंजन रेडी हो गया है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।